जोधपुर के राधा कृष्ण सर्वपल्ली वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्णवासी सदस्य तथा जनसेवक रत्नेश सोनकर की भाभी माधुरी सोनकर को वार्ड से प्रत्याशी बनाया गया है। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में मतदाताओं तक पहुंची और सभी से भाजपा को जीत दिलाने की अपील की। पार्टी समर्थकों और पूर्व MIC सदस्य और भाजपा के वरिष्ठ नेता समाजसेवी रत्नेश सोनकर राधा कृष्ण सर्वपल्ली वार्ड में भाजपा की पार्षद प्रत्याशी माधुरी सोनकर के समर्थन में आशीर्वाद मांगने निकले। वार्ड की जनता का भाजपा प्रत्याशी को जन समर्थन मिल रहा है, वह जनता के समर्थन और आशीर्वाद में लगातार जुटी रहे। उनका कहना है, अगर जनता आशीर्वाद देती है और जीत दिलाती है तो वार्ड के चहुमुखी विकास के प्रयास किए जाएंगे। मौजूद है वरिष्ठ नेता BJP के और महामंत्री रत्नेश सोनकर जी, पूर्व MIC सदस्य भी हैं। आइए बात करते हैं, उनकी भाभी खड़ी हुई है इस समय और साथ में प्रचार कर रहे हैं वे, आइए बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत भारी मात्रा में जनसंपर्क संपर्क समर्थन मिल रहा है। जिस तरीके की भीड़ में देख रहा हूँ, बारिश में भी प्रत्याशी के साथ बिल्कुल लगी हुई है, क्या विचार है? ये जो जनसमर्थन क्षेत्र के लोगों को जो मिल रहा है, ये इस बात को दर्शाता है कि इस क्षेत्र के विकास के मामले में सदैव भी भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र की जनता के साथ रही है। जिस स्थान में हम यहाँ पर खड़े हैं, एक ज़माने में यहाँ पर आज़ादी के बाद से लगातार बारूदखाना में हमारी भाजपा की एक कार्यकर्ता थी छोटी बाई, जो आज इस दुनिया में नहीं है, हम उनके चरणों को नमन करते हैं। उनके नाम पे नगर नियम का अगर रिकॉर्ड आप चेक करोगे तो कम से कम 30 साल से ऊपर टैंकर उनके नाम पे आता था। पूरी बस्ती टैंकर से पानी भरती थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यहाँ के लोगों ने आशीर्वाद देना शुरू किया, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाभी के समय ढोले नगर में हम लोगों ने पानी की टंकी बनाई और सारा नगर पहाड़ी में जो हम लोगों ने पानी की टंकी बनाकर इस क्षेत्र को घर घर सार्वजनिक नल नहीं, घर घर कनाल का कनेक्शन देने का काम किया। इस क्षेत्र को घर घर शौचालय बना के दिए, एक एक रोडें बना के दी, नालियां बना के दी। अब हमारा इस चुनाव में इस क्षेत्र की जनता से मेरा यही अपील है, इस देश के प्रधानमंत्री, प्रत्येक गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, कच्चे मकानों को पक्के करने का प्रारंभ हो चुका है। इस चुनाव के बाद जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित यहाँ से जीत मिलेगी, उसके बाद हमारा एक ही एजेंडा है, क्षेत्र का विकास। मैं उस समय जब भी पार्षद था, मेयरिंग काउंसिल में सदस्य था, आपने देखा रहा होगा कि मैं सदैव ही, मेरे हर बयान आप पुराने निकाल के देख लेंगे, मैं सदैव ही यही कहता था कि जब राइट टाउन नेपियर टाउन में रहने वाले व्यक्ति को हर सुविधा का लाभ मिल सकता है तो मेरे क्षेत्र के लोगों को क्यों नहीं। मेरी लड़ाई सदैव विकास के लिए रही है। पानी की टंकी के निर्माण हो, सामुदायिक भवन बनाने का काम हो, प्रेम सागर क्षेत्र में पंप हाउस बनाकर पहाड़ी पे पानी चढ़ाने का काम हो, चाहे रविदास नगर की रोड, एक एक रोड शारदा नगर क्षेत्र में आप पहाड़ में चले जाए, अभी भी जबलपुर में आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कई कॉलोनी में पानी की समस्या है। लेकिन हमारा होने के बाद भी आप सर्वे कर लीजिएगा, लोगों के घरों में नल का कनेक्शन है और नलों में इतना फोर्स रहता पानी का कि वो टंकी में पानी चढ़ता है। ये सौभाग्य की बात है। अब बचा है हमको कच्चे मकान को पक्का करना है। 3 साल से फ्री राशन गरीबों को मिल रहा है, उनके स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, जिनके नहीं हैं उनके बनवाने का काम करें। गरीबी रेखा का कार्ड बड़ी संख्या में हमारे समय में बने थे, लेकिन अब इस 8 वर्ष के अंतराल में, जब से यहाँ भाजपा नहीं थी और 3 वर्ष चुनाव नहीं हुए थे, तो इस 8 वर्ष में इस क्षेत्र का विकास रुक गया था। इस 8 वर्ष के जो रुके काम हैं, बिगड़े काम हैं, उसको हमको सुधारना है, उनको पटरी पर लाना है। बहुत से परिवार ऐसे हैं, इन 8 वर्षों में नई शादियाँ हो गई, परिवार बड़े हो गए, उनके भी राशन कार्ड हमको बनवाना है, उनकी चिंता करना है, उनके बच्चों का एडमिशन कराना है। हमारे क्षेत्र में बहुत याद अनुसूचित जाति वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं, मजदूरी कश लोग रहते हैं, जो रोज मजदूरी करते हैं, अपने परिवार में जीवन है। यहाँ पर जरूरत का काम बहुत है और ऐसे कामों के लिए आपने देखा होगा कि मैं चुनाव हारने के बाद भी अपने घर में बैठकर आप लोगों से कई बार मेरी वहाँ भेंट हुई, मैं जनता का काम करते हुए मिला। लॉकडाउन के समय भी लोग शहर घूम घूम के फ़ोटो छपवा रहे थे, लेकिन मैं कहीं नहीं जाके, मेरे को मालूम था कि मेरी ज़रूरत हमारे क्षेत्र की है।
मैंने वहीं से रहकर 4 महीने लगातार अपने क्षेत्र की जनता की सेवा की, उनके राशन पहुंचाने का काम हो, भोजन पहुंचाने का काम हो, बच्चों को दूध, 224 लोगों को रोज़ हम दूध देते थे साहब, बच्चों को तोस देना, ब्रेड देना, चिप्स खिला, ये सब बातों की चिंता हम लोगों ने जिस समय लोग अपने डर के मारे अपने घरों में कैद थे, हम लोगों ने उस समय भी साहस का परिचय देते हुए, आपने पूरे जबलपुर नहीं देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग रोड में आकर काम कर रहे थे, और सेवा का काम है और सेवा का ही संकल्प है। ये संकल्प को हम दोहराते हुए मैं वार्ड की जनता से यही अपील करता हूँ कि आपको क्षेत्र में भाभी माधुरी सोनकर जी को, आप लोग सब आपके बीच की हैं, परिचित हैं, आप जानते हैं, उनके 5 वर्ष के कार्यकाल देखा, हमारा कार्यकाल देखा, आप पुनः भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, भारी मतों से जिताइए। निश्चित तौर पे जो रुके कार्य हैं वो एक ऐतिहासिक विकास कार्य, जो रुके काम है उसको हम पूर्ण करके देंगे। इस अपील के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आप वरिष्ठ हैं, MIC पूर्व MIC सदस्य भी हैं, अभी जिला महामंत्री भी हैं, आपसे आग्रह करूंगा चैनल के माध्यम से अगर वार्ड की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं वार्ड की जनता से यही अपील करता हूँ कि आप इस क्षेत्र के राधाकृष्ण वार्ड के भाजपा प्रत्याशी हैं, आज आखिरी दिन है, 4 बजे भी ये ख़त्म हो जाएगा, आप कहाँ कहाँ का वार्ड का जनसमर्थन आज जनसंपर्क करा और किस तरीके की बातें हैं, क्या आपको समर्थन मिलता है? हम अभी अपने निवास स्थान से निकले हैं 12 बजे, हमारे साथ सांसद जी भी थे राकेश सिंह जी, उन्होंने सिंधी कैंप से जनसमर्थन करते हुए हमने चौपड़ा कुआं और राजेंद्र नगर बारूद खाना ये अपना जिन्ना करते हुए अब हम जा रहे सीधे सिद्ध बाबा की तरफ ही, पूरा अपना वार्ड में आज 4 बजे समापन हो जाएगा, और जनता से जो हम वादा कर रहे हैं उसे भी पूरा करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी आवास योजना के अंतर्गत हर मकान को हमें पक्का करना है, जहां भी जो पानी की समस्याएं हैं थोड़ी बहुत उसे भी पूरा करेंगे, छोटी छोटी नालियाँ हैं घरों के पास की उसको भी हमें बनाना है, हमारी जनता की छोटी मोटी मांगे हैं जो अधूरी रह गई है, तो इस काल में अगर जनता मुझे जिता के भेजती है नगर निगम में तो मैं अपना दायित्व पूरा निभाऊंगी। आपके साथ जो है जनसैलाब दिखाई दे रहा है, लहरें कल कम था आज और ज़्यादा हो गया जी, तो लगता है कि जीत की तरह अक्सर है या रिजल्ट जो भी होगा, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है मुझे, हमारी जनता का पूरा सहयोग है और उनका आशीर्वाद भी मुझे मिल रहा है जी। बोल रहे हैं कि दीदी अब मत आइए, तिवारा परेशान हो रहे हैं और क्षेत्र का विकास दिखा है उन्होंने, पिछले साल जो भी कार्य जैसा भी था वो कहते हैं अब आप ही को हमें लाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार विकास के कार्य में आगे है, हमारी नरेंद्र मोदी जी की अनेकों योजनाएं निकल रही है, पहले पार्षद महापौर आएंगे तभी तो कार्य पूरे होंगे ना। आप अपनी भारतीय जनता को क्या बोलना चाहते हैं? हम अपनी भारतीय जनता को पूरा विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल सोचिए मत कि हमारा मकान नहीं बनेगा या नाली नहीं बनेगी या कार्ड बाकी रह जाएंगे, सभी काम को मैं पूरा करूंगी, आपको विश्वास दिलाते हैं आपके माध्यम से कि जो भी काम यहाँ छूटे हैं उसे मैं पूर्ण करूंगी जी। आज का समापन होने जा रहा है 4 बजे और हम आगे जो भी कार्य है उसको करेंगे। हम अपने राधा कृष्ण वार्ड की जनता से अपील करते हैं कि 6 तारीख को आप सब अभी अपने घरों से निकल के कमल की बटन दबाएं, हमारे महापौर डॉक्टर जामदार जी हैं उनके भी कमल की बटन पे बटन दबाएं मशीन पे, और दूसरी मशीन है पार्षद प्रत्याशी के लिए माधव के लिए, उसमें भी अपने कमल के बटन दबाएं। आप सबको मैं अपील करके यही कहना चाहती हूँ कि अपना वोट बेकार ना करें, अपने वोट का। जौनपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।